नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्किंग स्विच स्टैकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। बात करेंगे कि ये क्या है स्विच स्टैकिंग टेक्नोलॉजी और किस तरह से ये हमें हेल्प करती है और क्या इसके एडवांटेज हैं। सो दोस्तों यहाँ पे जो है, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये चैनल बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस जो आपके करियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर मैं बता दूं कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो जल्दी से नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज स्विच स्टैकिंग टेक्नोलॉजी। अब स्विच स्टैकिंग टेक्नोलॉजी बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें एक एग्जांपल देके समझते हैं। और छोटे नेटवर्क्स में क्या होता है कि जब हमें अगर 5-6 स्विच लगे हुए हैं तो हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़े नेटवर्क्स हों या फिर डेटा सेंटर्स के जो नेटवर्क्स होते हैं वहां पे नंबर ऑफ स्विचेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसे में सारे स्विचेस को इंडिविजुअली मैनेज करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। और हर स्विच के लिए हमें एक अलग आईपी एड्रेस वगैरह देना पड़ेगा, हर स्विच पे जाके कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे स्विच स्टैकिंग टेक्नोलॉजी जो है हमें हेल्प करती है कि ये स्विच स्टैकिंग टेक्नोलॉजी जो है हम एक बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से सारे स्विचेस को जो है आपस में कनेक्ट कर देते हैं, एक बहुत ही तरीके से पूरा लूप बना देते हैं। अब यहां पे जब हम इनको कनेक्ट कर देते हैं स्विच स्टैकिंग पोर्ट के जरिए, अब यहां पे ये एक फिजिकली तो ये स्विच सारे के सारे अलग अलग होते हैं, लेकिन अब वर्चुअली यानी कि लॉजिकली ये स्विच जो है वन बन जाता है। यानी कि जितने भी अगर डेटा सेंटर की नेटवर्क की अगर बात करें या फिर बड़े नेटवर्क्स की बात करें, अगर वहां पे 10-15 स्विचेस लगे हुए हैं तो अगर हम उनको जो है स्विच स्टैकिंग टेक्नोलॉजी के जरिए जो है दोनों सभी स्विचेस को कनेक्ट कर देते हैं, तो ये सारे स्विच फिजिकली तो अलग होंगे, लेकिन अब जब हमने कनेक्ट कर दिया है तो ये लॉजिकली एक स्विच बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमें बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं जब ये हम स्विच स्टैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। पहला ये मिल जाता है कि हम जो है इजीली अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि स्केल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर एक स्विच खराब हो जाता है तो अब बहुत ही इजीली हम जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं और बाकी का जो नेटवर्क है वो एज इट इज रनिंग पोजिशन पे रहता है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आती है। तो ये भी एक बेनिफिट है हमारे स्विच स्टैकिंग टेक्नोलॉजी का। अब यहाँ पे जब हम इन सभी स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे उनमें जो है हम एक मास्टर स्विच बनाते हैं, यानी कि एक मास्टर स्लैब बन जाता है जिसके जरिए जो है जिसको हम कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके उसी के जरिए बाकी सारे स्विचेस को जो है इजीली मैनेज करते हैं, क्योंकि ये हमें जो है एक स्विच की तरह है पूरा दिखाई देता है। अब यहां पे जो है बहुत ही इजीली मास्टर स्विच के जरिए हम उसको मैनेज कर सकते हैं। जब हम मास्टर स्विच पे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मास्टर जो है वो बेसिकली हमें जो है बहुत सारे और भी बेनिफिट देता है, जैसे कि सबसे पहले तो मैनेज हो गया कि जब हम मास्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें बहुत ही इजीली बाकी के सभी नेटवर्क स्विचेस को आराम से जो है हम मैनेज कर सकते हैं, दैट इज वन। सेकेंड जो है यहाँ पे अगर कोई भी नया स्विच हम उसमें ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ये मास्टर जो स्विच है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है और उसको भी जो है हाँ इसी स्विच का जो है इसी स्टैकिंग प्रोसेस का एक हिस्सा बना के उसको भी एक कॉमन स्टैकिंग प्रोसेस में लेके आ जाता है। तो इससे जो है हमारे लिए एक और बेनिफिशियल हो गया। अब यहाँ पे जो है कोई स्विच का जो है वर्जन वगैरह ओल्ड है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उनको जो है अपग्रेड भी कर देता है मास्टर, यानी कि सभी स्विचेस जो है एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, तो हमारे लिए ये चीज बहुत ही बेनिफिशियल होती है। यानी कि हमने अगर मास्टर स्लेव जो है उसके जरिए ही हम बाकी सारे स्विचेस को मैनेज कर सकते हैं, नया लगाते हैं उसको डिटेक्ट हो जाता है, और तीसरा जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं जो ओल्ड वर्जन पे चल रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसके बाद अगर मास्टर स्विच जो है वो कभी खराब हो जाता है तो हमेशा इस स्विच के अंदर जो है इस स्विच स्टैकिंग प्रोसेस के अंदर जो है एक बैकअप मास्टर जो है स्विच जो है वो बनाया जाता है, मास्टर स्लैब बनाया जाता है, और जैसे ही अगर
हमारा मास्टर स्लेव जो है वो खराब हो जाता है, तो यहाँ पे जो बैकअप मास्टर स्लेव है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारे उस पूरे नेटवर्क के अंदर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और जो है पूरा नेटवर्क जो है काम करते रहता है। दोस्तों यहाँ पे अगर बैकअप भी खराब हो जाएगा तो डेफिनेटली उस कंडीशन में जो है हमारा पूरा स्विच स्टैकिंग जो प्रोसेस है वो पूरा काम करना बंद कर देता है। लेकिन क्योंकि हमारे नेटवर्किंग इक्विपमेंट जो है वो इतनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन करे जाते हैं, मैन्युफैक्चर करे जाते हैं, तो ऐसा कभी भी आज तक देखने को नहीं मिला है कि मास्टर स्विच भी चला गया और जो है यहाँ पे बैकअप स्लैब जो है वो भी जो है एक साथ खराब हुए, ऐसा कभी होता नहीं है। दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि अगर ये हो जाता है हमारा जो एक होता है इसी पूरे स्टैकिंग प्रोसेस की अगर बात करूं तो जो सबसे एक मेन बनाया जाता है मास्टर, उसको हम मास्टर स्लैब कहते हैं, और जो दूसरा एक बैकअप मास्टर स्लैब होता है उसको मास्टर बैकअप स्लैब बोलते हैं, और जो उसके बाद के जितने भी स्विचेस होते हैं उनको हम स्लैब्स मेंबर बोलते हैं, यानी कि वो जितने भी हमारे स्विचेस होते हैं उनको हम स्लैब करके बात करते हैं। दोस्तों ये जो पूरी जो स्टैकिंग टेक्नोलॉजी है ये हमारे नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम मैं तो सिर्फ यही रिकमेंड करूंगा कि अगर बड़े नेटवर्क्स आप यूज कर रहे हैं, बड़े नेटवर्क्स में काम कर रहे हैं या बड़े नेटवर्क इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो हमेशा जो है आप ये स्विच स्टैकिंग जो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत ही अगर आप इंप्लीमेंट करके किसी दूसरे टीम को मैनेज करने के लिए भी दे रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इजी होता है, नेटवर्क को मॉनिटर करना, नेटवर्क को मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाता है, और अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो बहुत ही इजीली हम जो है उसमें काम करके उस चीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं, बाकी का पूरा नेटवर्क जो है हमारा एज इट इज काम करते रहता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि स्विच स्टैकिंग प्रोसेस जो है, सिर्फ स्विच स्टैकिंग जो टेक्नोलॉजी है ये क्या है, किस तरह से काम करती है और ये क्या फीचर्स है इसके। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे जल्दी से नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज good to others।